ग्यारह बारह और तेरह जून कुंभ राशि, तीन दिन की तीन बुरी खबर जो कि आपको मिल सकती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पूरे तीन दिन की कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। दोस्तों ये तीन दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उनका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल, धन राशिफल, करियर राशिफल और आखिरी में स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, यह पूरी बातें जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही खास बातें जो कि बता रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही आपके लिए 10 जून का दिन कैसा रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमें बहुत सारे जो कि कमेंट आ रहे हैं उसमें 90% लोगों को जो कि दिन अच्छे जा रहे हैं, बल्कि 5 या फिर 10% लोगों के लिए जो कि खराब जा रहा है या फिर बुरा दिन जो कि जा रहा है। दोस्तों आपके कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन आप कमेंट में सिर्फ बुरा दिन, खराब दिन इतना ही लिखते हो। किस लिए खराब रहा, किस लिए दिन बुरा रहा, ये भी हमें विस्तार से बताएं, ताकि आपके लिए और भी सटीक जो कि राशिफल हम आपके लिए लाते रहे। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इन तीन दिनों में किस तरह की बुरी खबर जो कि आपको मिल सकती है उसके बारे में। सबसे पहले ये तीन दिन आपके लिए खराब रह सकते हैं। इन दिनों आपको खुद को संभालना होगा। मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, यानी कि आप जितनी कड़ी मेहनत करते हैं उसके अनुसार उसकी तरह आपको सफलता नहीं मिल पाती। जीवन साथी के किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। दोस्तों अपनी जो अनबन यानी कि जीवन साथी के साथ अनबन बन रही है उसे जल्द खत्म करें, वरना आपका संबंध खराब हो जाएगा। बच्चों की तरफ से टेंशन अधिक रहेगा। घरेलू जरूरतों के पीछे अधिक पैसा खर्च हो सकता है, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना सुद्धा करना पड़ेगा। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि जहां जरूरत हो वहीं पर पैसा खर्च कीजिए। आप अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम रखें। किसी महत्वपूर्ण काम में आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपका मन काफी चिंतित रहने वाला है। बच्चों की तरफ से टेंशन अधिक रहेगी, इसलिए बच्चों के रिलेटेड जो भी परेशानियां आ रही हैं उसको हल करने का जो कि आप प्रयास करें। तो चलिए अब बात करते हैं खराब समय के चलते आपको कौन से बातों से जो कि संभल कर रहना होगा उसके बारे में। दोस्तों दफ्तर का माहौल काफी गर्म रहेगा, आप पर कार्यभार अधिक रह सकता है। दोस्तों ये तीन दिन जो रहेंगे इसमें आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपके ऊपर कार्यभार अधिक रहेगा और उसके साथ ही कुछ परेशानियां भी आपके कार्यस्थल में आ सकते हैं। ऐसे में आपको काफी शांत दिमाग और धैर्य से काम करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ऊंचे स्वर में बात करने से बचें, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों दिमाग शांत रखेंगे और धैर्य से काम करेंगे तो आपका हर काम में जो कि अच्छी तरह से पूरा होगा, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कभी भी बातें करते वक्त ऊंचे स्वर में बात ना करें, उनसे उनके सामने जो कि अपना जो कि सर है झुका कर ये बात करें, लेकिन अगर आप ऊंचे स्वर में बात करेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। व्यापार से जुड़े जातकों को जोखिम भरे फैसले लेने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। निजी जीवन की बात करें तो ससुराल पक्ष से तनाव संभव है, यानी कि आपके जो भी ससुराल हैं उनकी तरफ से कोई परेशानी जो कि आपके जीवन में दस्तक दे सकती है और उससे आपका तनाव बढ़ता जाएगा। पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, आपकी सोच समझकर खर्च करने की जरूरत है, यानी कि आप अगर खर्चा करना चाहते हैं या किसी भी कार्य में पैसा खर्च करना चाहते हैं तो अपनी सोच को जो कि पॉजिटिव रखें और ज्यादा खर्चा ना करें। अगर अब ज्यादा खर्च करेंगे तो आने वाले दिनों में पैसों की तंगी जो कि आपके जीवन में आएगी। अभी आप अकेले और शांत हैं, साथ ही अपनी सोच, योजना या आध्यात्मिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बदलाव की आवश्यकता है, यानी कि कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो भी नीति नियम आप आसमाते हो उसको बदलने की जरूरत है। अगर आप बुजुर्गों की सुनते हैं और अपने मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सफल हो सकते हैं। बुजुर्गों का अनुभव जो कि बहुत बड़ा होता है, वे छोटे से लेकर पूरे बुजुर्ग होने तक
वह हर एक मोड़ से गुजरते हैं तो उनका अनुभव बहुत ही जबरदस्त रहता है। उनकी सलाह आप लेते रहिएगा। आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जो पहले से निर्धारित नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपको अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिलने का मौका भी मिल सकता है। दिन बेहद अनमोल है और आप सकारात्मक महसूस करेंगे। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आप जीवन में संघर्ष करते रहेंगे तभी आप मजबूत बनेंगे, तभी आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को या फिर जो भी जोखिम वाला काम होता है उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो इस समय आप काम को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। अगर आप विदेशियों के साथ व्यापार या काम करने की इच्छा रखते हैं तो थोड़े प्रयास करें, सफलता मिलने के संकेत हैं। धन की दौड़ में थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि पैसा कभी कभी मानसिक समस्याओं और दुखों का कारण भी बन जाता है। आप अपने कार्यस्थल में परेशानी का सामना करेंगे और इससे आपको काम में भी मुश्किलें हो सकती हैं। आपके सहयोगी आपके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। व्यापार और नौकरी दोनों में लेन देन आपको हानि पहुंचाएगा। अपने डर को छोड़कर जीवन का सामना करें। याद रखें, आप मुश्किलों के बिना सफलता का स्वाद नहीं ले सकते। दोस्तों, धनराशिफल की बात करें तो अपने कौशल और गुणों का प्रदर्शन करें, इससे आप पदोन्नति के साथ साथ अपनी मेहनत के फल को भी किसी इनाम के रूप में पा सकते हैं। अपने सेवक या अधीनस्थ से मिला धोखा आपकी उदासी का कारण बनेगा। दुर्घटना से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। आप अपने कैरेक्टर और उत्साह से अपने आसपास के लोगों का दिल जीत लेंगे। कोई सामाजिक सभा या समारोह भी आपके कार्ड में है। दोस्तों, अगर हम करियर राशिफल की बात करें तो आप चाहते हैं कि कोई काम सही ढंग से हो तो उसे आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप ये बात समझ सकेंगे। इस बात की पूरी कोशिश करें कि जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपके नियंत्रण में ही रहे। ये ना समझे कि अगर आपने किसी को काम करने की जिम्मेदारी सौंप दी तो वो भी उसे आपकी तरह ही करेगा, उस काम को एक बार देख भी ले। दोस्तों, स्वास्थ्य राशि पर की बात करें तो शराब से दूर रहें, यह आपकी सेहत खराब कर सकती है। अपने खानपान पर ध्यान दें ताकि आप बीमार ना पड़े। नॉन अल्कोहलिक पेय ही ले। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से रहेंगे ये 3 दिन कुंभ राशि के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।